Hello friends and my dear students, welcome to my class and this is your favorite YouTube channel Vedansi Technical Classes। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है अपन पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट बीजगणितीय सूत्र जो है आज की इस एक ही वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं, अतः आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना। तो चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सूत्र। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यदि ऐसा हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस था यहाँ यदि माइनस है तो आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, अगर मान लो सपोज दैट दोस्तों ऐसा हो इन दोनों को जोड़ना हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यदि इन दोनों को ऐड करें अपन तो यहाँ पे दोस्तों आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को अपन क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आएगा दोस्तों फोर एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों यदि ऐसा हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर यदि हो तो यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा अपन को दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों यदि ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको दोस्तों लिखेंगे अपन एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई और एक बार जो है इसको दोस्तों अपन लिख देंगे माइनस में एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों यदि ऐसा हो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे जो है अपन को फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों यदि ऐसा हो क्यूब में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो अपने पास, तो अपन को मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, या फिर दोस्तों इसी को जो है अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, राइट। इसके बाद में देखिए दोस्तों अगर ऐसा हो यहाँ प्लस था और यहाँ हो माइनस, यदि क्या हो माइनस हो तो दोस्तों अपन को मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी को दोस्तों अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा दोस्तों एक्स और यहां बचेगा माइनस वाई, ऐसा भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों टेन फॉर्मूला, यदि मान लो ऐसा चाहिए अपन को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसके लिए दोस्तों अपन को मिलेगा एक्स प्लस वाई और विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। इलेवंथ फॉर्मूला, यदि ऐसा हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो दोस्तों अपन को मिलेगा एक्स माइनस वाई विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र है जो काफी मैथ्स के अंदर जो है काफी चैप्टर्स में अपन को जो है डायरेक्टली यूज करना होता है, तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद में एक और फॉर्मूला अपने पास है वो जो है एक बार राइट डाउन कीजिए, इसके बाद में मैं आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है, लिख लिए, चलो ठीक है देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों फॉर्मूला नंबर 12,
और ये फॉर्मूला है दोस्तों, यदि मान लो ऐसा हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, अगर ऐसा हो दोस्तों तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बाद में ब्रैकेट में आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में है, इसके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आर विद इन ब्रैकेट, फिर विद इन ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्मूला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, बीजगणितीय सूत्र अपन इनको बोल सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है। आप लोग ऐसा ही जो है महत्वपूर्ण नॉलेज प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।